निवास विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले बने मध्य प्रदेश आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्य। बहुल्य आदिवासी मंडला जिले के निवास विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले को आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्यों में शामिल किया गया है, जिससे पूरे जिले के लोगों में खुशी का माहौल है। हम आपको बता दें, इस मंत्रणा परिषद पर 20 सदस्य होते हैं, जो आदि अनादिकाल से चल रही आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और संरक्षण और विकास को लेकर कार्य योजना बनाते हैं। कई सालों से समाज के हितों के लिए समाज सेवा करते आए डॉक्टर अशोक मस्कोले का नाम इस परिषद में शामिल नहीं था, मगर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पांडुर्ना विधायक नीलेश पूछराम उइके की जगह लोगों के दिलों में राज करने वाले डॉक्टर अशोक मस्कोले को इस परिषद का सदस्य बनाया है, जिससे जिले के लोगों में हर्ष व्याप्त है। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इसमें शामिल किया। पहले किसी वजह से मेरा नाम छूट गया था, लेकिन शायद कहीं भी ऐसा उनका एहसास हुआ होगा या किसी वजह से, जैसा भी उनको पता चला कि जिस प्रकार से मैं ट्राइबल्स के लिए मेरा काम जो कर रहा हूँ और उसमें मेरा जो नाम आना, निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करूँगा। जो TAC जो होता है, आदिवासी मंत्रालय परिषद जो होती है, बेसिकली एक जो संवैधानिक एक संस्था है जिसमें ट्राइबल्स के से रिलेटेड, उनके वेलफेयर के रिलेटेड, उनके अनुपात के अनुसार जो बजट ऊपर से आता है, उनके बेसिक हक अधिकार के लिए जो विचार और जो बातें आती है, उनको कैसे प्लान करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उसी का एक पार्ट होता है, जिसमें TSP ट्राइबल सब प्लान का जो एक बजट रहता है, बहुत बड़ा बजट रहता है। अगर हम सही तरीके से उसका क्रियान्वयन हम करवाते हैं तो निश्चित रूप से सभी उनका ट्राइबल्स का और उस पूरे एरिया में निश्चित रूप से विकास की, हम अच्छी सोच के साथ में अगर आएंगे तो उनमें हम अच्छी विकास कर सकते हैं। उनका बेसिक स्ट्रक्चर, उनका एक पूर्ण जो विकास की उनकी बात कर सकते हैं, उनके संपूर्ण विकास, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, रोजगार, इनके लिए हम अच्छा प्लान करके उनके एक संपूर्ण विकास की बात कर सकते हैं। पूरे जिले वासियों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि जो आदिवासी मंत्रणा परिषद है, TAC के नाम से जानी जाती है, और आदिवासी बाहुल्य जिला हमारा जिला है, और यहाँ पर इस परिषद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नीति और नीतियों का निर्धारण किया जाता है शासन के द्वारा, और आदिवासी बाहुल्य है, उसके परंपरा, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति के संरक्षण और उसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उसमें प्लानिंग बनाई जाती है। और ऐसे कमेटी में जो पहले से ही हमारे समाज के लिए संघर्षरत रहे हुए डॉक्टर अशोक मस्कोले साहब, और जैसे विधायक बने उसके बाद जो है आज इस परिषद में उनको शामिल किया गया, जो इसके पहले छिंदवाड़ा से जो पांडुना विधानसभा के जो नीलेश पुषाराम उइके जी थे, उनका नाम था, लेकिन फिर माननीय कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसमें एक फेरबदल करते हुए एक बहुत ही शानदार निर्णय उन्होंने लिया कि उनकी जगह जो है अपने डॉक्टर अशोक मस्कोले साहब को जगह दी गई, और इसके लिए हम माननीय कमलनाथ जी को भी सादर धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार करना चाहेंगे कि आपने ऐसा निर्णय लेकर के और हमारे इस जिले की हर ऐसी जानकारी जो हमारे विकास के लिए है उसको एक शासन के पास तक रख पाएंगे, ऐसे हम डॉक्टर मस्कोले साहब से भी आशा करते हुए, और बड़ा खुशी की लहर पूरे जिले में चल रही है।